केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा शेयर किए गए एक पोस्ट में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। कार में 6 एयरबैग लगाने पर जोर देने वाले इस वीडियो को लोग दहेज प्रथा से जोड़कर देख रहे हैं। यूजर्स पोस्ट पर अलग अलग तरीके से कमेंट भी करते दिखे। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया में एक एड बनाया है जिसमें लोगों को कार में 6 एयरबैग लगाने के लिए जागरूक किया है। इस पोस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर पर शेयर कर लिखा है, 6 एयरबैग वाले गाड़ी में सफर की जिंदगी सुरक्षित बनाए। वीडियो की बात करें तो इसमें दिखाया गया कि एक पिता अपनी बेटी की विदाई कर रहा है। अक्षय कुमार इसमें पुलिस ऑफिसर के रोल में दिख रहे हैं। वो रोते हुए दुल्हन के पिता से कहती है कि ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही ना। जिसके बाद पिता गाड़ी में के बारे में बताता है, इसमें सारी सुविधाएं हैं। इस पर एक्चुअल कहते हैं, लेकिन 6 एयरबैग तो नहीं है ना। इसके बाद कार बदलकर दूसरी कार आ जाती है। इस वीडियो पर ट्विटर यूजर सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही इसके कंटेंट को लेकर जमकर कमेंट कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, यह एक प्रॉब्लमेटिक एड है, ऐसे क्रिएटिव कौन पास रखता है। क्या सरकार इस विज्ञापन के माध्यम से कार के सुरक्षा पहलू को बढ़ावा देने या दहेज की बुराई और आपराधिक कृत्यों को बढ़ावा देने के लिए पैसा खर्च कर रही है? मेट्रो मुंबई के लिए नितेश ठाकुर की रिपोर्ट।